मामला है, इनका पॉइजन खाने के पीछे क्या कारण है? ये सिकंदरपुर से एक नया नया प्रभारी आया है, हरेंद्र तिवारी इनका नाम है। तो उससे दो दिन पहले ये एसएल लगाई थी, तो बोल रहे हैं तुम लोग का एसएल कभी आ जाता है, पता नहीं चलता है। एसएल पे भी बवाल किए, उस दिन भी एसएल का वो सब मामला खड़ा किए। अब एसएल तो लड़की का आता है, कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ जाए, उस पर भी बवाल किए हैं। उस पर भी बोले कि तुम लोग को लाइन भेज दिया है, डीएसपी सर से बात कर ली है, तुम लोग लाइन में रहना। फिर उसके बाद इनका मम्मी है, ये इनका तबीयत मतलब ख़राब है, ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर बोला है कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराइए। तो सोची कि एग्ज़ाम छुट्टी, एग्ज़ाम में ड्यूटी ख़त्म होगा, तुरंत हम छुट्टी निकल जाएंगे, फॉरवर्डिंग करवा लेते हैं और छुट्टी फिर निकलेंगे। तो ये कल गई सर के, मेरे साथ ही गई इधर से ड्यूटी, एग्ज़ाम ड्यूटी करके सीधे थाना गए थे। अब प्रभारी हम लोग को देखते पहले ही भड़क गए, बोल रहे हैं ये सब क्या कर रही है यहाँ पे, थाना पे क्या कर रही है, इसको भगाओ यहाँ से। डीएसपी सर को हम दे दिया है सबका कमान, ये सब थाना पे दिखना नहीं चाहिए। तो ये बोली कि थाना तो सर हम लोग आए नहीं है, कमान देकर भेजा गया थाना पे। तो कह रहे हैं ज़्यादा बोलोगी तो फिर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ बोलने लगे। अभी रोने लगी, फिर कह रहे फिर मम्मी का ऑपरेशन कैसे होगा, ऐसे कह रहे हैं। तो मेरे पे भी रिपोर्ट किए हैं दो दिन पहले। ये मेरा है, मेरा पेपर था सेकेंड ईयर का। बोलिए बाद में। हाँ, जिला आदेश ये सब था, मेरे पे भी रिपोर्ट किया, मेरा वेतन होल्ड है। इस पे करेंगे तो ये सोचे कि मेरे मम्मी का ऑपरेशन कैसे होगा, क्या करेंगे, हम कहीं का नहीं रहेंगे, यही घर का सबसे बड़ी है। उसके बाद से ये डर गई, खूब डरी। उसके बाद से बोले इस सबको भगा, थाना पे दिखना नहीं चाहिए। यहाँ वहाँ सीसीटीवी कैमरा है, आप लोग जाँच भी करवा सकते हैं, वहाँ पे साफ बोले हैं, वहाँ पे होगा वो रिकॉर्ड। क्या नाम है इसका? नाम इसका नेहा भारती, महिला सिपाही 690। आपका? मेरा प्रीति कुमारी, महिला सिपाही। पॉइजन खा ली थी कौन सी? हाँ, ये डिप्रेशन में आ गई, फिर उसके बाद सोची कि मेरा वेतन, एक तो वेतन कम ही आता है, उसके बाद से वेतन इधर उधर हो जाता है, मम्मी को देना होना, फिर अपना खर्चा। तो ये सोची कि जब होल्डिंग हो जाएगा तो हम कैसे अपना क्या करेंगे, घर पे कैसे भेजेंगे, अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। उसी के चक्कर में डिप्रेशन में आ गई, हम खाना बना रहे थे और बस क्या की साथ में जब ही फर्श पे गिर गई तब हमको पता चला। इससे पूछे नहीं बताई, हम सर को कॉल किए थाना प्रभारी को, बोले सर आप थाना पे जो किए हैं, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, तो आप जो किए हैं इसके साथ उसके चक्कर में ही खा ली है, जल्दी आइए। और इसके बाद आए, फिर गाड़ी से हम लोग लेकर आए, फिर सदर में आए, तो सदर से मतलब ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद यहाँ रेफर किया गया। वहाँ से प्रभारी कॉल किए कि बेला थाना का जितना है लोग सब स्टाफ आ जाएंगे, तो स्टाफ वहाँ के चले गए और हम इनके साथ रात भर रहे, अकेले रहे। लाइन में कॉल किए तो अजय पासवान एक मंत्री है, वो आए, मिराज भैया उनके साथ दो तीन और भी आए थे, बाकी कोई नहीं आया। फिर अरविंद सर को कॉल पे कॉल किया गया, फिर वो डेढ़ बजे करीब, दो बजे करीब उठाए, दो महिला सिपाही को भेजे, वो भी दो महिला सिपाही चली गई। सुबह होते 4-5 बजे करीब निकल गई। मामला कितने बजे की? ये घटना कल शाम के 7 बजे करीब का है। 7 बजे यहाँ कब आई SKMCH? यहाँ 10 बजे सदर में, बाकी ट्रीटमेंट सदर में हुआ, उसके बाद यहाँ रेफर किया गया। मांग क्या कर रही है ये? मतलब इसका कार्रवाई प्रभारी जो थाना प्रभारी है 20 दिन से। क्या नाम है प्रभारी? हरेंद्र तिवारी। तो इस अभी बोल नहीं पा रही है, लेकिन जब बोलेगी तो अपने बता देगी। फिर भी लिख कर बताइए कि उन जांच किया जाए, जो भी है हमको मतलब टॉर्चर किए, प्रवोक किए, जो भी किए, इसको उकसाएं ताकि इस कंडीशन पे आ गई और अपना जान देने की जरूरत थी। फिर से एक बार परिचय बता दीजिए अपना। मेरा महिला सिपाही 719 प्रीति कुमारी, बेला थाना में हम डी सी के साथ थे।